लगा हत्तू माँ जी इधर से आ जाएगी माता जी बैठो बैठी बैठो भी पूजा हो जाने दीजिए संस्कार होने के बाद। और इस कार्यक्रम में आए हुए पूज्य भंते मंचाशील हम आपके चरणों में वंदनाम करता हूँ और पूरे परिवार के सभी लोगों के मंगल की कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी उपासक उपासिकाएं बूढ़े बुजुर्ग माँ बहनें और बच्चे हम सभी लोगों के मंगल की कामना करते हैं। कृपया ध्यान दीजिए आप लोग जिस उद्देश्य से आप सभी लोग आए हुए हैं जिस मकसद से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जिनके निमित्त श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं कृपया उस कार्यक्रम के बारे में जान लें। सर्वप्रथम हम सभी लोग पूज्य भंते जी से क्षमा याचना करेंगे उसके बाद तीन शरण और पंचशील की याचना करेंगे फिर सामूहिक पूजा वंदना करेंगे उसके बाद जो तथागत सम्यक संबुद्ध कल्याणकारी सूत्र कहे हैं शांति पाठ के अवसर पे हम सभी लोग पूज्य भंते जी के साथ सूत्र पाठ करेंगे उसके बाद पूज्य भंते जी के द्वारा जल समर्पण करवाया जाएगा फिर जो है उसके बाद पूरे परिवार के लोग और सभी लोग जो धर्म सभा में आए हुए हैं बारी बारी से पहले भगवान को फिर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है उस पूज्य पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ में दान भी देना चाहिए तो सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सबका भला। तो आप लोग बैठ जाइए पूरे परिवार के लोग बैठ जाएं। तो धर्म की परंपरा है और सील लेने की मुद्रा में आप लोग बैठ जाएं जैसे सहायक आचार्य जी बैठे हैं इसी तरीके ना आप वैसे बैठिए ना जो नहीं बैठ पाते हैं वैसे बैठ जाइए जो किसी कारण से नहीं बैठ पाते हैं उसी तरीके से बैठ जाएं। लेकिन ये धर्म की परंपरा है इस तरीके से बैठने से पांचांग प्रणाम करना पड़ता है भगवान को। पांचांग प्रणाम का मतलब ये जो तो दोनों पैर के घुटने और ये दोनों हाथ के घुटने और ये सिर ये पांचांग प्रणाम बोलता है। तो इस धर्म में ये बैठने की विधि है तो आप सभी लोग इस तरीके से बैठ जाएं। और धर्म को दिल से स्वीकार करना चाहिए तो दिल कहाँ होता है सीने में होता है ना तो कोई हाथ नीचे नहीं किया रहेगा इस तरीके से हाथ जोड़ करके धर्म ग्रहण करना चाहिए ठीक है ना। तो आप लोग बैठ जाइए चलिए बैठी बैठी श्वेता बैठी पूरे परिवार को बैठना चाहिए ना सब लोग अच्छा चलिए चलिए हाँ आप लोग दोहराएंगे जैसे हम कहलवाएंगे उसी तरीके से आप लोग दोहराएंगे। हाँ चलिए ओ काश द्वारतेन कतंग सबंग अपराधंग खमथ मे भन्ते द्वितीयंपी ओ काश द्वारतेन कतंग सबंग अपराधंग खमथ मे भन्ते तत्यंपी ओ काश द्वारतेन कतंग सबंग अपराधंग खमथ मे भन्ते आम बनते अहंग बनते तीसरेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयंपि अहंग बनते तीसरेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते तत्यंपि अहंग भन्ते तीसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते।
हे महावदेत हम बनते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि आम बन्ते पाणति पाता वेदमणि शिक्षा पदं समादयामि पाणति पाता वेदमणि शिक्षा पदं समादयामि अजिन्नदाना वेदमणि शिक्षा पदं समादयामि अजिन्नदाना वेदमणि शिक्षा पदं समादयामि कामे इच्छाचारा वेदमणि शिक्षा पदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि शिक्षा पदं समादयामि मूसावादा वेदमणि शिक्षा पदं समादयामि सुरा मेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि इदं मे पुञ्यं आसवक्खं वहं होतु इदं मे पुञ्यं निब्बानस्य पच्यो होतु इदं मे पुञ्यं सब्बि सत्ता सुखिता भवन्तु प्रणाम कीजिए आप लोग इति पिसो भगवाय अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं नमामि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि सुपरिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स इति पिसो भगवायर्हं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिषदम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति नमो तस्स सम्मा संबुद्धस्स ये च बुद्धाय अतीता च ये च बुद्धाय नागता
पच्युपन्ना चेय बुद्धायहं वंदामि सर्वदा नत्ति मे शरणं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जय मंगलं उत्तमांगेन वंदेहं पादुपं सुवरुत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमथुतं ममं बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको यै पश्चिको उपनयिको पच्चतं वेदितब्बो वियो इति नमो तस्स नियानिकस्स धम्मस्स ये च धम्मायतीता च ये च धम्मायनागता पच्युपन्ना च ये धम्मायहं वंदामि सर्वदा नत्ति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जय मंगलं उत्तमांगेन वंदेऽहं स्नम्हं च द्विविधं वरं धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमथुतं ममं धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पिटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदि तं चत्तारि पुरुष युगानि अठ पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करियो अनुत्तरं पुण्यखीतं लोकस्साति नमो तस्य अठार्य पुगला महासंघस्य ये च संघाय तीता च ये च संघाय नागता पच्युपन्ना च ये संघायहं वंदामि सर्वदा नत्ति मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जय मंगलं उत्तमांगेन वंदेऽहं संघं च त्रिविधोत्तमं संघेयो खलितो दोषो संघो खमथुतं ममं संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि आदिवासे तु नोभन्ते पानीयं उपनामितं अनुकंपं उपादाय पटिगहडात्मुत्तमं वन्नगंधगुडोपीतं ईतं कुसुमसंतति पूजायामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुय्येन मेतेन च होतु मोक्षं फुफ्फं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं घंसारपदितेन दीपेन तम दंसिना तिलोकदीपं संबुद्धं पूजायामि तमोनुदं गंधसंभारयुतेन धूपेनाहं सुगंधिना पूजये पूजनयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं वंदामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु पतितितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्मूले निसिन्नो सब्बार्विज्यंगका पत्तो सब्बैतुं सत्ता बंदेतं बोधिपातपं इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता आम्पिते नमस्सामि बोधिराजा नमत्तुते कायेन वाचा चित्तेन पुमादेन मया कतं अच्यंखं मे भन्ते भूरिपञ्यो तथागतं इमाय बुद्ध पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठतु सद्धमो लोको होतु सुखी सदा इमाय बुद्ध पूजायं पुह्यं पशुतं मया सभ्येतं अनुमोदित्वा सभ्ये पीतुठमानसा पूरयत्वा दानशीलादि सब्बापि दश पारमि पत्त्वा यतिचितं बोधि पुष्यन्तु अमतं पदं इमाय धम्मानुधम्म परिपत्या बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्म परिपत्या धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्म परिपत्या संघं पूजेमि अद्धा इमाय परिपत्या जाति जरा व्याधि मणिमा परिमुचिष्यामि इमिना पुण्य कम्मेन मामे बाल समागमो
सतंग समागमो होतु याव निब्बान पत्तिया देवो वस्सतु कालीन सस्स संपत्ति हेतु च हेतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको इदंग में पुय्यंग आसवक्खंग वहंग होतु इदंग में पुय्यंग निब्बानस्स पच्चियो होतु इदंग में पुय्यंग सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु साधु साधु साधु। आप लोग भगवान को तीन बार प्रणाम करें। अब आप सभी लोग सुख तो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स इति पिसो भगवायरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिषदम्म सारथि सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो संदी उपादवधम्मिनो उपजित्वा निरुज्झन्तीति संगोपसमो सुखो अनिच्चावत संखारा उपादवधम्मिनो उपजित्वा निरुज्झन्तीति संगोपसमो सुखो अनेक जातिं संसारं संधाविसं यनिविसं गहकारकंगवे संतो दुखा जाति पुन पुनं गहकारक दिठोसी पुनगे हंगन काहसी सब्बाती फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तड़हान खय मज्जगाति अनेक जातिं संसारं संधा विसंग यने विसंग गहकारकंगवे संतो दुखा जाति पुन पुनं गहकारक दिठोसी पुनगे हंगन काहसी सब्बाती फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तड़हा नैकय मज्जगाति अनेक जातिं संसारं संधा विसंग यने विसंग गहकारकंगवे संतो दुखा जाति पुन पुनं गहकारक दिठोसी पुनगे हंगन काहसी सब्बाती फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं सड़हा नैकय मज्जगाति सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथनि बिंदति दुखे समग्गो विशुद्धिया सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथनि बिंदति दुखे समग्गो विशुद्धिया सब्बे दुखा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथनि बिंदति दुखे समग्गो विशुद्धिया सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथनि बिंदति दुखे समग्गो विशुद्धिया सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथनि बिंदति दुखे समग्गो विशुद्धिया सब्बे दुखा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथनि बिंदति दुखे समग्गो विशुद्धिया सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथनि बिंदति दुखे समग्गो विशुद्धिया सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथनि बिंदति दुखे समग्गो विशुद्धिया सब्बे दुखा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथनि बिंदति दुखे समग्गो विशुद्धिया अंददाने भिक्खवे आमन्त्रयामि वो वै धम्मा संखाराय अपमादेन संपादेत अंददाने भिक्खवे आमन्त्रयामि वो वै धम्मा संखाराय अपमादेन संपादेत अंददाने भिक्खवे आमन्त्रयामि वो वै धम्मा संखाराय अपमादेन संपादेत एतेन सच्चवजेन सोथिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवजेन सब्बरोगो विनसतु एतेन सच्चवजेन होतु ते जय मंगलं समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुडन्तु सर्गमोखदं
धम्म श्रवण कालो अयं भदंता धम्म श्रवण कालो अयं भदंता धम्म श्रवण कालो अयं भदंता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स ये संता संत चित्ता तीसरण सरणा यत्थ लोकांतरीवा भुम्मा भुम्मा च देवा गुड़गड़ गहड़ा व्यावटा सभ्य कालं एते यायन्तु देवा वर कनक मये मेरुराजे वसंतो संतो संतोष हेतुं मुनिवर वचनं सोतुमग्गं समग्गा सभ्येषु चक्रवालेषु यक्खादेवा च ब्रह्मणो यंगमेहि कथं पुञ्यं सब्ब संपत्ति साधकं सभ्येतं अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता अमादरहिता हन्तु आरक्षा सुविशेषतु शासनश्च लोकस्य विद्धि भवतु सर्वदा शासनं पिच लोकं च देवा रखन्तु सर्वदा सद्धिं हन्तु सुखी सभ्ये हि परिवारे यत्नो अनीघा सुमना हन्तु सभ्ये हि यातवी राजतु वा चोरतु वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञेयतो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खाड़ुकतो वा कंटकतो वा नखतो वा जनपदरोगतो वा असधम्मतो वा असंदिट्ठितो वा असपुरीषतो वा चंडहत्यस्मिगगोड़ कुक्कुर ऐविच्छिका मणिसप्पदीप यक्षतरक्षसु कर्मैसी अक्खरक्कसा देही नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्धवतो वा आरक्षं गढ़न्तु एतेन सच्वजेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्वजेन सर्वरोगो विनस्तु एतेन सच्वजेन होतु ते जय मंगलं यस्सानुभावतो यक्खानेव दशयन्तु भीषणं यम्मिचेवानुजन्तो रतिं दिवमतन्दितो सुखं सुपति सुतो च पापं किंचन पश्यति एवमादिगुणोपेतं परित्तं तं वदामहे कर्णीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्य सको उजू च सुजू च सुचो च समुद्वनतुमानि संतुष्को च शुभरो च यपकिच्चो च सलहुकोत्ति संतिन्द्रियो च निपको च यपगभो कुलेषु अननिगिद्धो न च खुद्दं समाचरे किंच येन वियो परे उपदेयु सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितता एके च पारिभूततीत सा वा थावरा वा अनवशेषा दीघा वायु महंता वा मज्जिमा रसकाडुकतूला दिठा वा एव दीठा ये च दूरे वसन्ति यो दूरे भूता वा संभवेशी वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितता न परोपरंगनि कुब्येत नातमयेत कथचन कच्चि व्यारोसना पटी गसंया नायमये स दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्तं आयुषा एक पुत्वनु रखे एवं सब भूतेषु मानसं भावे अपरिमाणं नेतं च सब्बलोकस्मिं मानसं भावे अपरिमाणं उद्धं अधोच तिरियं च असंबाधं अवीरं असपतं तिठं चरं निसिन्नो आसियानो आयावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिंग दिठ्ठियं ब्रह्म मेतं विहारं इदमाहु दिठ्ठिं च अनुभगंबशीलवा दस्सनेन संपन्नो कामेश विनेगेदं नहि जातु गब्बसेयं पुनरेतीति एतेन सच्वजेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्वजेन सर्वरोगो विनस्तु एतेन सच्वजेन होतु ते जय मंगलं कोटिसत्सासेषु चक्रवालेषु देवता यस्सानं पडिगहणन्तु यं च वेशालियं पुरे रोगा मनुष्यदुभीतं सम्भूतं त्रिविधं भयं खिपमनन्तरदापेशी परित्तं तं वदामहे यानि धूतानि समागतानि ब्रह्मानि वा यानि वयन्तलिके सभ्येव भूता सुमना भवन्तु अथोऽपि सकच्च सुडन्तु भास्तं तस्मा हि भूतानि सामेत सभ्ये मेतं करोथमानुषिया पजाय दिवाचरत्तु च हरन्ति वलिं
तस्मा ही ने रखत अपमत्ता यंखिंच वित्तंग इधवाहुरंगवा सगे सुआ यंग रत्नंग पड़ीतंग नैनो समंगति तथा गतेन इदं पि बुद्धे रत्नंग पड़ीतंग इतेन सच्चेन सुवत्थि होतु खयंग विरागंग यमतंग पड़ीतंग अध जगा सक मुनि समाहितु नतीन धम्मेन समत्ति किंचि इदं पि धम्मे रत्नं पड़ीतं इतेन सच्चेन सुवत्थि होतु यं बुद्ध सेठो परिवनिं सुचिं समाधिमानन्तरिकयमाहु समाधिनातेन समो न विज्जत इदं पि धम्मे रत्नं पड़ीतं इतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ये पुगलाय अठ शतं पसत्ता चतारि एतानि युगानि हन्ति ते दक्षिणीया सुक्ता सावका एते सुदिन्नानि महाफलानि इदं पि संघे रत्नं पड़ीतं इतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ये सुपयुता मनसा दलेन निकामिनो गोतम सासि नम्मि ते पत्ति पत्ता यम तंग विगह्य लद्धा मुदा निभुतिं भुज्यमाना इदं पि संघे रत्नं पड़ीतं इतेन सच्चेन सुवत्थि होतु यथिन्दखिलो पठविंसि तोषीया चतुर्विवाते वि असंपकंपियो तथोपमं स पुरुषं वदामि यो अर्य सच्चानि अवेच्य पश्यत् इदं पि संघे रत्नं पड़ीतं इतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ये अर्य सच्चानि विभावय गंभीर पय्येन सुदेशितानि किंचापि ते होंत भूसपमत्ता नते भवंगठ मंगादियन्ति इदंपि संघे रत्नं पड़ीतं इतेन सच्चेन सुवत्थि होतु सहावस्स दर्शन संपदाय तयस्सु धम्मा जयिता भवन्ति सकाय दिट्ठि विचकीतं च शीलब्बतं वापि यतद्य किंचि चतुपाये चुपमत्तो छछा विठानानि यदबुकातुं इदंपि संघे रत्नं पड़ीतं इतेन सच्चेन सुवत्थि होतु किंचापि शोकं मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अधब्बतो तस् पठि सदाय अभवता दिश पढ़सि वृत्ता इदंपि संघे रत्नं पड़ीतं इतेन सच्चेन सुवत्थि होतु वनपगुम्बे अथा पुषितज्ञे गिम्मान मासे पठमिंस गिम्मे तथूपमं धम्मरंग देशै निबान गामिं परमंग हिताय इदंपि बुद्धे रत्नं पड़ीतं इतेन सच्चेन सुवत्थि होतु वरो वरयो वरदो वराहरो अनुतरो धम्मरंग देशै इदंपि बुद्धे रत्नं पड़ीतं इतेन सच्चेन सुवत्थि होतु खीडं पुराणं नवं नत्य संभवं वीरत्ति चित्ता आयत के भवस्मि ते खीड़ विजाय वृल्लि छंदा निबंति धीरा यथायं पदीपो इदंपि संघे रत्नं पड़ीतं इतेन सच्चेन सुवत्थि होतु यानिध भूतानि समागतानि ब्रह्मानि वायानि व्ययंत लिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्सां सुवत्थि होतु यानि धूतानि समागतानि ब्रह्मानि वायानि वयंत लिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं धम्मं नमस्सां सुवत्थि होतु यानि धूतानि समागतानि ब्रह्मानि वायानि वयंत लिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं संघं नमस्सां सुवत्थि होतु इतेन सच्चवजेन सोतिते होतु सर्वदा इतेन सच्चवजेन सब्बरोगो विनस्सतु इतेन सच्चवजेन होतु तेजय मंगलं अविद्या पच्या संखारा संखार पच्या वियाणं वियाण पच्या नाम रूप पच्या सलायतन सलायतन पच्या फस्सो फस्स पच्या वेदना वेदना पच्या तड़हा तड़हा पच्या उपादानं उपादान पच्या भव भव पच्या जाति जाति पच्या जरा मरणं शोक परदेव दुख दो मन सुपायासा संभवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखंदस्य समधियो होति
अविद्या अतीव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो संखार निरोधा वियाण निरोधो वियाण निरोधा नाम रूप निरोधो नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो सलायतन निरोधा फस निरोधो फस निरोधा वेदना निरोधो वेदना निरोधा तणहा निरोधो तणहा निरोधा उपादान निरोधो उपादान निरोधा भाव निरोधो भाव निरोधा जाति निरोधो जाति निरोधा जरा मरण शोक प्रदेव दुख दो मनस पायासा निरुज्जन्ति दुखंदस्य निरोधो होति एतेन सच्चवजेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवजेन सर्वरोगो विनशतु एतेन सच्चवजेन होतु ते जय मंगलं साधु साधु साधु। ठीक है पूरे परिवार के लोग बैठ जाएं, पूरे परिवार के लोग बैठ जाएं, तुम भी बैठ जाइए। पहले यहाँ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो, ये वंश परंपरा है, ये जल समर्पण हो जाओ, इसके बाद जाना। तो ये जैसे पर्वतों से जल चल करके नदी नालों से होते हुए समुद्र में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार ये वंश परंपरा है। जैसे पूज्य पिताजी रहे, इनके भी माता पिता रहे होंगे, उनके भी माता पिता रहे होंगे, उनके भी माता पिता रहे होंगे, तो ये असंख्य जन्मों की श्रृंखला है। तो ये वंश परंपरा चलनी चाहिए, इस नाते जल समर्पण है। तो दोनों हाथ से ऐसे लोटा पकड़िए और इसमें जल गिराइएगा धीरे धीरे। सभी लोग एक दूसरे से छुए रहेंगे, एक शरीर से छुए रहेंगे, क्योंकि वंश परंपरा है ना, उन्हीं हाँ उन्हीं हाँ उन्हीं की देन है ना। आप लोग जहाँ वहीं एक चलिए भले कहिए। ईदंग में जल गिराते रहिए। ईदंग में यातिनंग होतु सुखिना होन्तु यातियो। ईदंग में यातिनंग होतु सुखिना होन्तु यातियो। ईदंग में यातिनंग होतु सुखिना होन्तु यातियो। उन्न में उदकंग वट्टंग यथा निन्नंग पवतितंग एवमेव यथा दिन्नंग पेतानंग उदकंपति। उन्न में उदकंग वट्टंग यथा निन्नंग पवतितंग एवमेव यथा दिन्नंग पेतानंग उदकंपति। उन्न में उदकंग वट्टंग यथा निन्नंग पवतितंग एवमेव यथा दिन्नंग पेतानंग उदकंपति। यथा वारिवाहा पूरा परिपूरेन्तु सागरंग एवमेव यथा दिन्नंग पेतानंग उदकंपति। यथा वारिवाहा पूरा परिपूरेन्त सागरंग एवमेव यथा दिन्नं पेतानं उदकंपति। यथा वारिवाहा पूरा परिपूरेन्त सागरंग एवमेव यथा दिन्नं पेतानं उदकंपति। साधु साधु साधु। पूरा जल गिरा दीजिए, उठी थाली में लोटा उन्हा दीजिए, थाली में ये जल किसी पवित्र स्थान पे गिराइएगा, चाहे वृक्ष की जड़ हो, चाहे फूल का बगीचा हो, या निर्जन स्थान पे हो, ये गंदे नाले में नहीं पड़ना चाहिए। तो अब आप लोग आइए, पहले भगवान को, फिर परम पूज्य वशिष्ठ बाबा साहब को, फिर अपने पूर्वज को, अपने मुखिया को, जो भी मतलब संबंध हो, आप लोग पुष्प अर्पित करें। हम लोग तो कह ही दिए हैं भगवान को, साथ में दान भी करना चाहिए, आप लोगों को दान देना चाहिए। नहीं वहीं वहीं नीचे रखिए ना। हाँ।
वहीं रहो मगर छोड़ देने का ऐसे नहीं छोड़ने की पाव कितने से आप छोड़ते ऐसे सब छोड़ देते ऊपर से फैलाए तो आदत लगते है ऐसे छोड़ दिए तो वो एक समर्पण हो जाता है समर्पण करके छोड़ माला पहनाई ये माला माला पहनानी है आते रहिए आप लोग फूल चढ़ाओ और नजदीक के सही सिर काट कर उठाएल रायपुर उठाल में नजदीक के सही सिर काट कर फिर बाबा साहब को अभी इधर चलो बारी बारी सभी लोग सब बच्चे फूल चढ़ाओ सब लोग फूल चढ़ाओ जल्दी जल्दी सब लोग फूल चढ़ाओ दोनों हाथ से दोनों हाथ से यही श्रद्धा सुमन है यही संस्कार आपका है यही संस्कार आपका नष्ट कर दिया गया यही संस्कार आपका जो है बर्बाद कर दिया गया यही संस्कार आपका लूट लिया गया कि आप सभी लोग अपने पूर्वज का सम्मान नहीं कर पाते थे तो धन्य है परम पूज वोसत बाबा साहब जिन्होंने आपको ये धर्म वापस कर दिया तो खूब सम्मान करना चाहिए खूब फूलमाला से स्वागत करना चाहिए कौन आ गया बनते हैं चालू चलते बंद नहीं अच्छा आते रहिए पानी ले पानी आते रहिए सब लोग आओ फूल चढ़ाओ अरे उकरी उकरी पानी पानी की और क्या लगा सकता है पिनिया लाए दिखा दो आओ पहले पानी ले जाओ बताइए आधी आफत आने दीजिए जीवन है तो आएगा तो संघर्ष किया जाएगा देखल गई मृतक संस्कार में बादल लगल के जब तक सूत्रपात ना आएगा तब तक पानी ही नहीं आया पानी ही नहीं आया और जबकि सब लोग हड़बड़ाए थे हाँ ऐसा होगा वैसा होगा तो जब हम लोग बैठ जाते हैं तो धर्म बैठता है करवाने धर्म बैठता हम लोग संस्कार करवा के वापस हो रहे हैं अब पीछे पीछे बादल ताड़ते जा रहा आगे हम लोग जाते रहे और जब हम नदी पार हो गए अपने स्थान पे पहुंच गए तब बरसना शुरू हुआ भगवान का ये घटना पढ़िए
जा तक में भगवान जब किताब भगवान जब चलते थे हिंदी में गर्मी में जब चलते थे संस्कृत जैसा है उसको कमाता है पढ़ना पड़ेगा सब हो गया पुष्प अर्पित हो गया सब लोग पुष्प अर्पित कर लिए आप लोग बैठिए आप लोग बैठिए हाँ तो भगवान जब चलते थे तो अगर कड़ाके की गर्मी होती थी तो छांव हो जाता था वैसे यहाँ पे धीरे हवा चल रहा है हाँ वो जब सर्दी होती थी तो इस तरीके से गर्म गर्म का प्रभाव होता है तो उसको हम लोग परीक्षण करके देखे हैं ना सर मैंने ऐसा नहीं कि प्रकृति को हम रोक लेंगे लेकिन जो प्रकृतिवादी होगा लेकिन जो जो प्रकृतिवादी हो जाएगा वो साथ देवे करेगी प्रकृति अलग अलग इसी नाते किसी किसी सूत्र में किसी किसी संस्कार में हम प्रकृति से निवेदन करते हैं भाई मेरी क्षमता नहीं है ना तो निवेदन करते हैं कि ये चालू है क्या आर्या जी बन रहे हो उपासिका आर्या जी बन रहे अच्छा 20 साल की उम्र है तो आर्या जी बनने का उसका विचार है तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल चालू थोड़ा सा पूरा हो जाएगा तो फिर जाके वहाँ पर बनते नहीं है वरना अभी फिलहाल तो पहले तो तैयार होने हो ना जब पानी कहन है अरे जाएंगे वक्त पे अभी बाद में आएंगे बाद में वन्न गंध गुड़ोपेतंग एतंग कुसुम संतति पूजायामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे वन्न गंध गुड़ोपेतंग एतंग कुसुम संतति पूजायामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुय्येन मित्तेन च होतु मुखं फुफं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम्।